हेलो, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बच्चों के बर्ताव की समस्या के बारे में, बिहेवियर के बारे में। होता क्या है कि यदि बच्चे को कोई मानसिक बीमारी हो गई तो पेरेंट्स को क्या लगता है कि नहीं, बच्चों को मानसिक बीमारी हो ही सकती नहीं है, और वो मानसिक बीमारी है करके वो बर्ताव में प्रॉब्लम आ जाता है। मतलब उसको चाइल्डहुड स्किजोफ्रेनिया है, स्किजोफ्रेनिया मानसिक बीमारी है, उसको डिप्रेशन है, उसको मैनिया है, तो अलग ढंग का वो बर्ताव करने लगता है। मतलब माँ बाप की सुनने का नहीं, सोने का नहीं, खाना खाने का टाइम नहीं, गाली गलौज करना, मतलब ऐसा विचित्र, मतलब ऐसा बर्ताव बच्चा करते रहता है। कुछ बच्चों को मानसिक बीमारी रहती नहीं है, मगर उनको बर्ताव की समस्या ही रहती है, और वो समस्या ऐसी है कॉमनली कि बच्चों बच्चों को पीछे लगना पड़ता है कि सवेरे उठने के बाद में चलो ब्रश करो, फिर उनको पीछे लगो कि चलो अभी नहा लो, बाथ ले लो, या फिर स्कूल की तैयारी है तो स्कूल की तैयारी करो, ऐसा पीछे लग लग के खाना खाने के लिए उनको पीछे लगना पड़ता है, और फिर खाना खाना जबरदस्ती खाना खिलाओ, या कोई कहानी सुना के खाना खिलाओ, या पढ़ाई के लिए उनको पीछे लगो फिर पढ़ाई करेंगे। मतलब उनको पीछे लगने के सिवाय माँ ने उस उनके पीछे लगने के सिवा काम ही नहीं करता, मतलब ऐसी एक समस्या हो जाती है। और यदि उनको बोला नहीं कि पढ़ाई कर, तो वो पढ़ाई करेगा ही नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत ज्यादा समय वो टीवी देखते बैठेंगे। तो ये हो गया एक। दूसरा, कोई बच्चों को पर्सनैलिटी प्रॉब्लम रहता है या बिहेवियर प्रॉब्लम एज सच रहता है कि वो उसमें वो बहुत ज्यादा शोर करना, एक जगह पे नहीं बैठना, यहां से वहां जाना, वहां से वहां जाना, फिर बहुत ही हाइपर एक्टिव, ज्यादा एक्टिविटी करना, या फिर माँ बाप की सुनने का नहीं, और टोटल अपोजिशन करना। अपोजिशन मतलब जैसा किसने बोला, माँ ने कुछ बोला तो उसका उसका अपोस, मतलब उसका उल्टा कर लेना। तो मतलब ऐसी काफी सारी समस्याएं बच्चों में रहती है, और कुछ बच्चे फिर बहुत डिमांडिंग रहते, मतलब तोड़फोड़ करेंगे जो चीजें लाके दिया, पेन तोड़ेंगे, पेंसिल तोड़ेंगे, वो किताब घुमा देंगे, नोटबुक घुमा देंगे, या स्कूल बैग घुमा देंगे कहीं तभी, या चप्पल शूज कहीं घुमा देंगे, मतलब ऐसा वो घुमा देंगे, या फिर उनको चॉकलेट होना, या उनको आइसक्रीम होना, या उनको फिर पानी पूरी होना, मतलब ऐसे इतना डिमांड रहता है उनका। और फिर वो बच्चा जैसा बड़ा हो जाता है तो डिमांड्स बढ़ते जाती है कि अभी मोबाइल होना, अभी घड़ी होना, अभी साइकिल होना, अभी बाइक होना, मोटर बाइक होना, ऐसी डिमांड बढ़ते जाती है, और फिर उसका कोई अंत नहीं है, और फिर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये डिमांड कहाँ तक पूरी करना उनकी। कुछ कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं क्योंकि उनको काफी ज्यादा लाड़ प्यार किया जाता है बचपन से, कुछ तो भी बीमारी हो जाती है बचपन में, समझो बुखार हो गया या ऐसी कोई बड़ी बीमारी हो गई, और ऐसा लगा माँ बाप को बच्चा सीरियस हो गया और बच गया उसमें, अब उनको लगता है कि अभी इसको कुछ हो गया ना तो प्रॉब्लम, तो फिर वो इतनी उसकी परवरिश इस तरह कर दे कि इतना लाड़ प्यार कर दे कि उसने जो चीज़ मांग लिया उसको हाथ में दे दिया, जो चीज़ मांग लिया उसको हाथ में दे दिया। फिर उसको ये मालूम पड़ जाता है कि अपन ने मांग लिया तो मिल जाता है, और दिया नहीं तो फिर कभी रो देता है, और बच्चे ने रोया तो नहीं, नहीं रोने का नहीं, चलो ये ले लो। बच्चा सीख जाता है कि यदि मैंने धींगाना कर लिया, रो लिया, रास्ते में नीचे बैठ गया और हाथ पैर झाड़ने लगा, तो ये चुपचाप मुझे जो चाहिए वो दे देते हैं। तो इसलिए फिर वो सीख जाता है कि भाई मैंने धिंगाना करना पड़ता है, धामधूम करना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, तो वो चिल्लाना बंद करने के लिए माँ बाप मेरे को दे देंगे। तो एक तो लाड़ प्यार है, या फिर उसको समझ में आता है कि अपन डिमांड जो करते हैं वो मिल जाता है, इसके लिए फिर वो ज़्यादा शोर करते रहता है। कोई बच्चे ऐसा मतलब कहीं टीवी में या पिक्चर में या कहीं देख के सुन लेते हैं और फिर वो धौस देते हैं माँ बाप को, देखो तुम ऐसा करेंगे ना मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा, तुम ऐसा करेंगे ना तो मैं मर जाऊंगा। कोई ऐसा धौस मारने के लिए कभी हाथ में ब्लेड लेंगे, ऐसे कोई नस काट रहे हैं, ऐसी कोई मतलब शोशा करेंगे, ड्रामा का पार्टी करेंगे, या चक्कू हाथ में लेंगे, तो पेरेंट्स फिर घबरा जाते हैं कि नहीं मैंने इसकी डिमांड पूरी नहीं किया ना, ये चक्कू से काट लेगा या मर जाएगा। तो कुछ लोग मतलब घर से भाग भी जाते हैं और फिर घर में आएंगे नहीं, तो पेरेंट्स को फिर ऐसा दोष बैठ जाती कि नहीं नहीं ये चले जाएंगे कहीं तो प्रॉब्लम, तो फिर उसका जो भी जिद है वो पूरी कर लो। अब ऐसे ही सब चीज़ों में पेरेंट्स तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और फिर हमारे पास में लाते हैं कि नहीं भाई अभी इसका कुछ तो भी इलाज करो। मैं बोलता हूँ इलाज बच्चे का नहीं करना पड़ता, इलाज पेरेंट्स का करना पड़ता है, काउंसिलिंग पेरेंट की करनी पड़ती है। तो उनको हम काउंसिलिंग करते हैं। काउंसिलिंग ये होती है कि भाई बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार जो है वो पहले बंद करना पड़ता है। डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन शासन, तो अनुशासन ही वहां नहीं है घर में। तो जब अनुशासन नहीं है, शिस्त बोलते हो उसको, तो जब अनुशासन नहीं है घर में
तो फिर बच्चा भाग जाता है। तो शिस्त लाने का कार्यक्रम कैसे करना, उसके बारे में हम काउंसलिंग करते हैं। फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग कैसे करना कि बच्चा जब शांति से बैठेगा तो उसको चीज मिलेगी, जब बहुत धिंगा मस्ती करेंगे तो चीज मिलेंगी नहीं, तो उसके लिए फिर काउंसलिंग करते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। या फिर बच्चों को सम्मोहित करना, हिप्नोसिस करना, हिप्नोटाइज करना, और हिप्नोटाइज करके उसको रिलैक्स कैसे करवाना, मेडिटेट कैसे करवाना, और उसका जो दिमाग हाइपर एक्टिव हो गया है उसको शांत कैसे करना, वो भी सम्मोहन के माध्यम से बच्चे के ऊपर कोशिश करते हैं। पेरेंट्स को काउंसलिंग में हम ये भी बोलते हैं कि बच्चे को साथ में लेके बैठो रात में सोने के पहले, और कल का दिन कैसा जाएगा इसके बारे में प्लानिंग बनाओ, क्या चाहिए उसको, कब मिलेगा। जब बार बार जब कोई भी चीज बच्चा मांगता है और दे देते हैं ना पेरेंट्स, तो उसका फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस जो है वो बहुत कम हो जाता है। मतलब कोई भी चीज चाहिए तो उसको चाहिए जल्दी, नहीं तो वो कैसा कैसा करने लगता है, ढिंगाना करेगा, तो वो बढ़ाना पड़ता है। मतलब चीज मांग लिया तो तुरंत देने का नहीं, उसको बोलना तुमको मिलेगी, आप जो बोल रहे हो सब मिल जाएगा, ये कल मिलेगा, आज नहीं। मतलब इस तरह का उसको डिलेड रिस्पॉन्स देने का है, डिमांड जो है वो आराम से पूरी करने की है। और ऐसा यदि करते हैं तो काफी फर्क पड़ता है, बच्चे सुधर जाते हैं, पेरेंट्स को भी मन को शांति मिलती है। तो सम्मोहन हम पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि आप भी सम्मोहित हो जाओ, सजेशंस लो मेरे तरफ से, बच्चों को कैसे परवरिश करना उसके बारे में सजेशंस लो। बच्चों को सम्मोहित करके, हिप्नोटाइज करके बच्चों को, मतलब शांति कैसे लाना, रिलैक्सेशन कैसे करना, और बच्चों को सम्मोहन अवस्था में सूचनाएं देते हैं कि भाई उसने कैसा बिहेव करना चाहिए, क्या अपेक्षा है, वैसी सूचना उसको बार बार सम्मोहित अवस्था में देते हैं, तो वो सूचना उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है डायरेक्ट, और फिर उसका बर्ताव धीरे 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 अच्छा होने लगता है, उसके बर्ताव में फर्क पड़ने लगता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल है उसको भी आप लाइक करो, शेयर करो, हमारे फेसबुक को भी शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।